127 में बैठा है कर्ता कर्म हमेशा करना अनादि का चला आया जो ज्ञान है, ज्ञान मैंने जिसमें आत्मा का परिचय नहीं है, अपनी निज सत्ता का जिसको बोध नहीं है, उसका नाम अज्ञान की एक ही परिभाषा वैसे जिसे अपनी निज चैतन्य सत्ता का स्व संवेदन ज्ञान नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। और जिसे स्व संवेदन पूर्वक स्व संवेदन ही कहता जो रत्न क्रियात्मक होता है, होता अवृत समय दृष्टि को चरित्र नहीं है उसको ऐसा कहते हैं ना, लेकिन जितना कुछ चरित्र है उतना कुछ अल्प अंशों में उसको भी चरित्र मानना चाहिए, इसलिए आचार्य स्व संवेदन ज्ञान को भी जिसमें अपने शुद्ध आत्मा की प्रत्यक्ष अमृतमय अनुभूति होती है, स्व संवेदन ज्ञान को निश्चय रत्न त्रयात्मक कहते हैं। ऐसे ज्ञान के द्वारा जिसे अपनी सत्ता का परिचय हुआ उसका दूसरा नाम आत्मख्याति है। अनादि काल से विस्मृत जो अपना आत्म तत्व है, अपने रहने का जो सदन है, घर है आत्मा के रहने का, जिसे छोड़कर आत्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता, जो इतना संपन्न है और समृद्ध है कि जिसकी समृद्धियाँ अटूट उनकी सीमा नहीं है, उनको भोगते भोगते उनका कभी अंत नहीं होता, और जो संपूर्ण है और अनादि अनंत अक्षय है, आत्मा के वैभव भी आत्मद्रव्य और आत्मा के स्वभाव आत्मा के वैभव यदि अनादि अनंत अक्षय है, उनका भोग करते करते वे कभी रीतते नहीं है, रीते नहीं होते, कम नहीं होते, ऐसा भरचक आत्म तत्व गुरु की करुण कृपा से जिसको सत्ता का बोध हुआ उसे उसी क्षण से संपूर्ण अज्ञान का अंत होकर निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ। वो स्व संवेदन ज्ञान निरंतर ही उस आत्मा में सुनिविष्ट है, अन्य की ओर बाहर किसी पदार्थ की उपयोग जाने पर भी स्वसंवेदन ज्ञान को एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य की महिमा और उसी का महत्व प्रति समय वर्षता है। मैं तो मात्र चिन्मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसा निरंतर वर्तन होने के कारण ज्ञानी को सदैव प्रति समय सोते जागते उठते बैठते ज्ञानमय भाव ही होता है। जिसे ज्ञानमय भाव होता है उसे ज्ञान से भिन्न ज्ञान से विपरीत अन्य भाव नहीं होते, उसे नहीं होते, वे होते हैं, वे अपने स्थान पर होते हैं, अपनी जगह रहते हैं तो आत्मा उनके स्वरूप को जान भी लेता है, लेकिन किस तरह जानता है? मेरा जो चैतन्य ज्ञायक है उससे ये सारे के सारे भिन्न हैं, अलग हैं, ये मेरे चैतन्य ज्ञायक का आज तक कुछ कर नहीं पाए। मिथ्या दर्शन की वृत्ति और मिथ्या ज्ञान की वृत्ति की जो जगत में बहुत कुछ करने का अभिमान रखती आई, वह भी चैतन्य सत्ता का कुछ कर नहीं सकी। चैतन्य सत्ता अखंड अक्षुण्ण जो की क्यों रही,
ऐसा कोई पारमार्थिक तत्व नहीं हूँ इस विश्व में। बहुत विश्व में जैसे कोई किसी के प्रति रखता हो और बहुत प्रकार के उपाय करे उसे नुकसान पहुंचाने का, लेकिन उसके जीवन भर कुछ न कर पाए। इसी तरह मिथ्या दर्शनादि व्यक्तियों ने तो आत्मा को अचेतन बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, लेकिन वस्तु व्यवस्था की यह जटिलता है, कुदरत का ये कानून है कि जो वस्तु जिस स्वभाव को सदा से धारण किए हुए है वह वस्तु कभी भी भावांतर को प्राप्त नहीं होती, अर्थात चेतन सत्ता कभी भी अचेतन नहीं बनेगी चाहे कितने ही प्रयत्न किए जाए। यदि अगर वस्तु व्यवस्था में इस प्रकार की जटिलता न हो, ये जो सारा विश्व है इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, चेतन अचेतन का कोई भेद नहीं रह पाएगा, सब बिगड़ जाएगी सारी व्यवस्था। इसकी इतनी मति को इस महावाणी जिनवाणी के अनुसार व्यवस्थित करके मैं जन्मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसा जिसके ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित हुआ, अत्यंत हृदय को प्राप्त हुई, अत्यंत हृदय को प्राप्त हुई मैंने जिसे अब अस्त नहीं होना है, उसी तरह से चर्चा करते आचार्य से। बीच में किसी तरह की शंकाएं आशंकाएं नहीं आने देते पतन की, तो प्रारंभ से ही पतन की आशंका हो तो फिर आत्मख्याति के रूप में कोई उत्थान नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगा। लोक में शंकाओं और आशंकाओं से भरा रहने पर जगत का कोई काम प्रारंभ नहीं किया जाता, वहाँ भी भले वो विश्वास कैसा ही है, अंधविश्वास है, लेकिन वह विश्वास भी स्थापित करना पड़ता है। यह विश्वास तो परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य सत्ता पर स्थापित है। इसलिए यानी कि जीवन की चर्चा है, ये देखना बंद कर देना चाहिए इस प्रकरण को सुनकर ये आत्मा को राग द्वेष भी होते हैं। वह ज्ञान के एक पहलू में विद्यमान स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन जब वे आत्मा ही नहीं है, आत्मा के ही नहीं है, वे बहुत गलित हैं, वे अचेतन हैं, तो उनसे आत्मा को प्रयोजन भी क्या, उनका विचार करने से आत्मा को मतलब भी क्या। वे सदा ही आत्मा से बाहर रहने वाले, आत्मा के ऊपर ही ऊपर तैरने वाले भाव हैं। अब प्रकरण इस तरह का चलता है, सबसे पहले जो बातें प्रमाण के द्वारा समझने की होती हैं उनको समझ लिया जाए, उसके समझने के बाद जब ये कहानी ये कथा आत्मकथा ऊंचाई से चलती है तो इसमें पतन की कल्पना भी नहीं होती, इसमें पतन के स्वप्न नहीं आते, इसमें तो निरंतर उत्थान का ही क्रम रहता है। और उत्थान क्या, उत्थान तो कहने की बात है, यह तो साक्षात अपने को सिद्ध परमात्मा अनुभव करता है। तो संवेदन ज्ञान क्या करता है, क्या अनुभव करता है, आदम ने लिखा है ऐसा, सम्य दृष्टि और भगवान सिद्ध के स्व संवेदन ज्ञान में कोई अंतर नहीं। क्या सुनना चाहते हैं इससे अधिक, भगवान की आचार्य के वजह सम्य दृष्टि को अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला जो स्व संवेदन ज्ञान होता है उसमें और भगवान सिद्ध के स्व संवेदन केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। जैसी अनुभूति और जो रसा स्वादन भगवान सिद्ध को होता है
वही वैसा स्वादन सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है जब से इसको ज्ञान में भाव हुआ तब से। फिर भीतर से हमारे शंका कुवेज थी, इसको उतना आनंद कहाँ आता है। फिर हम विपक्ष पर चले गए, ये शंका तुरंत होती है। अन्य दृष्टि का आत्मा को अनुभव करने वाला ज्ञान सिद्धों जैसा होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बोला। क्योंकि भीतर ही भीतर अपने तो अनादि की वासना है, वो अनादि की वासना चैन नहीं लेने देती, और वो कहती है कि उनको बहुत आनंद है, इसको तो जरा सा है, अल्प है। ये विचार उसमें शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि भगवान सिद्ध की निर्मल दशा है और उनको निरंतर अनुभव में आने वाला जो अनंत आनंद है, उस अनंत आनंद से ही बहुत ऊपर ये शुद्ध ज्ञाय पड़ा है। सम्यक दृष्टि को जिस समय से ज्ञान में भाव हुआ, उस समय से, उस क्षण से उसने स्वीकार किया है, मैं वो आनंद नहीं, मुझे उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वर्तमान में आनंद का दया हूँ, मैं सिद्ध वर्तमान में हूँ, मुझे सिद्ध होना है, यह बात हल्की है। वह इस विचार को ज्ञायक में जगह नहीं देता। मुझे सिद्ध होना है, इस विचार को सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ज्ञायक में अवकाश नहीं देता, उससे बाहर रखता है। इतनी ऊंचाई हुई सम्यक दृष्टि। ऐसे सम्यक दृष्टियों के लिए आचार्य कहते हैं कि हम उनको वंदन करते हैं। आचार्य कहते हैं वंदन करते हैं ना, हम सम्मान करते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि कि जो भव के निकट है, भव के किनारे हैं। कहते हैं ये तो बातें कहने में तो आती है ना, भव के किनारे सचमुच तो भाव है ही नहीं उनके ज्ञायक में। उनका ज्ञायक तो सदा से ही भवांतर भाव से शून्य है, और उन्होंने अपने को एकमात्र शुद्ध चैतन्य ज्ञायक ही स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव उनको आत्म भाव से स्वामित्व से स्वीकार नहीं, इसलिए अन्य किसी भाव की इसमें गुंजाइश नहीं। अन्य सारे भाव इससे परे परद्रव्य हैं, ऐसा कहते हैं। ज्ञायक से भिन्न जितने भी भाव हैं, अन्य जितने भी, चाहे वे परद्रव्य हों, परद्रव्य संबंधी भाव हों, अपने में उत्पन्न होने वाले भाव हों, अपने में उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्याय हों, वे सबके सब ज्ञायक से परद्रव्य हैं। क्योंकि जिसने ज्ञायक में अपना स्वत्व स्वीकार करके, अपनी सत्ता स्वीकार करके, और दृढ़ता से ये माना, संपूर्णता से मैं ये माना कि मैं तो यही हूँ और इतना ही हूँ, इससे अधिक और इससे कम मैं नहीं। यदि वो किसी भाव को उसमें स्थान देता है, तो फिर उसने उस जिस ज्ञायक को स्वीकार किया था वो ज्ञायक कम था, इसीलिए उसमें दूसरा भाव समा सका। अगर वो ज्ञायक संपूर्ण होता तो उसमें दूसरा भाव समाने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए सारे भाव, अन्य सारे भाव वे मेरे से परे हैं, परद्रव्य हैं, सारे के सारे। नौ पदार्थ है ना, नौ पदार्थ रूप परद्रव्य का सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का सहचर होने के कारण, उसके साथ होने के कारण, नियम से साथ होने के कारण, उसे सम्यक बोध, आत्मा की अनुभूति
नव तत्व के स्वरूप के विचार पूर्वक और उससे शुभ भाव भूमि पैदा होती है। शुभ भाव भूमि में ही अपने चैतन्य का पुरुषार्थ करके सत्ता का वेदन कर लेता है। अपने में सुनिविष्ट है वो ज्ञान मात्र, ऐसे निज में सुनिविष्ट हुआ, ऐसे निज में सुनिविष्ट हुआ, हुआ मैंने हुआ हुआ। अब उससे फिर बाहर वहाँ से हटना नहीं, वहाँ से स्खलित नहीं होना है, लेकिन सदा के लिए अपनी चैतन्य सत्ता में समाहित हो गया, झुक गया, उसके साथ संयुक्त हो गया, जुड़ गया। पर लिखा है पर ऐसे राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण, यहाँ पर शब्द आवे वहाँ पर्द में समझते, यहाँ पर मैंने जो जो उस चैतन्य से अनमेल भाव हैं, वे सारे के सारे भाव मेरे से पराये हैं। श्री राग द्वेष चैतन्य से अनमेल भाव हैं, राग द्वेष की दिशा सदा ही जगत की ओर रहती और चैतन्य वो सदा ही अपने में समाहित है, अपने में अवस्थित है। और चैतन्य का अनुभव करने वाली जो परिणति है शुद्धात्मानुभूति, उसकी दिशा भी शुद्ध चैतन्य की ओर ही रहती है। तो शुद्ध चैतन्य के साथ एकाकार होकर अपने को मात्र शुद्ध चैतन्य मानकर उसका अनुभव करती है। और ये भाव राग द्वेष के भाव भले ही आत्मा में पैदा हुए अज्ञान से, आत्मा कभी जगत की ओर नहीं झांकता, आत्मा स्वावलंबी तत्व है, स्वाधीन तत्व है। राग द्वेष परतंत्र और पराधीन तत्व है, दोनों में कहीं भी ऐक्य नहीं है, समन्वय और समझौता नहीं हो सकता। ऐसे राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण, भिन्नत्व पहले से ही था, शुद्ध ज्ञायक का और राग द्वेष का पहले से ही भिन्नत्व था, पहले से ही दोनों साथ साथ दिखाई देने पर भी साथ साथ दिखाई देने में दिक्कत नहीं, कुछ साथ साथ रह सकते हैं। ज्ञान और कर्म ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं। क्षति कहाँ है? ज्ञान और कर्म ये दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं ये भी कहते हैं, पर फिर भी कहें कोई दिक्कत नहीं, एक क्षेत्र में रहते हैं। तो उस कर्म के द्वारा मैंने राग द्वेष के द्वारा ज्ञान की कोई क्षति नहीं होती, बोले कितनी बढ़िया बात है, नहीं है कम है क्षति कि जब वो वर्णन करता हुआ ज्ञान अपने भीतर चलता हुआ जो ज्ञान का प्रवाह है, वो ज्ञान का वर्णन जिस समय उस राग द्वेष के साथ एकत्र करता हुआ प्रवर्तित होता है, तब वह अपने को रागी द्वेषी अनुभव करता हुआ राग द्वेष का करता होता है। अज्ञान पर कितनी सुविधा दे, सुविधा कितनी दे? ऐसे प्रतिबंध है, प्रतिबंध राग द्वेष कभी ज्ञान की सीमा में नहीं आ सकता, ज्ञान कभी राग द्वेष की सीमा में नहीं जाता। जब इतनी सुविधा आत्मा को मिली है तो आत्मा को क्या करना है? इतना ही जानना है कि राग द्वेष भी प्रतिबंधित भाव हैं, वे कभी ज्ञान की सीमा में, ज्ञायक की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना जानते ही एकदम निश्चिंत होना चाहिए, सीमा में मैं ज्ञायक हूँ, पर मेरी सीमा में यदि वे प्रवेश नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि वे मेरे से अत्यंत भिन्न है, अलग है, न्यारे है। जब ऐसा अलगाव एक बार ज्ञान में आया तो तुरंत प्रसन्नता उछल पड़ती, इतना काम कितना सा करना रहा, काम के नाम पर काम वो कितना सा करना रहा, राग द्वेष सदा मेरी सीमा से बाहर अपने क्षेत्र में रहते, मेरे क्षेत्र में नहीं आते। पहले क्या था,
ये मैं ही रागी द्वेषी हो जाता हूँ और ये राग द्वेष मेरे भीतर ही पैदा होते हैं और ये मेरे ही भाव हैं और मैं ही रागी द्वेषी हूँ, पहले ये मानता। अब आचार्य ने भीतर जाकर अनुसंधान करके दोनों को देखा उस श्रुत ज्ञान के दूरबीन से। क्या देखा? ये दोनों इतने निकट निकट पड़े हैं कि अज्ञानी को इनकी संधि का पता नहीं चलता। इतने निकट चलता है संधि का पता अज्ञानी को? राग द्वेष और शुद्ध चैतन्य ये दोनों इतने निकट हैं। निकटता लिखी है शास्त्र में? नहीं लिखी। अत्यंत निकट, अत्यंत निकट होने पर भी इनमें संधि है, इनमें जोड़ है, इनके बीच में एक रेखा है। वह रेखा अज्ञानी को नहीं दिखाई देती, ज्ञानी को श्रुत ज्ञान के सूक्ष्म यंत्र से वो रेखा दिखाई देती है। वो उसमें प्रज्ञा की चोट करता है और दोनों दो दिखाई देने लगते। दो नहीं किए, इसी को दो करना कहते हैं। दिखाई देने लगते या दो दिखाई देने लगे, वहीं जो जन्मात्र ज्ञायक है वो अपने में समाविष्ट हो गया। पर वैसे राग द्वेष के भिन्नत्व के कारण निजरत से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है, जब ये जानने में आया कि राग द्वेष वे अपने स्थान पर अपने समय में होने वाले होने योग्य भाव हैं, यहाँ तक आ गया। मैंने किए हैं, मैंने ये सब सारी कहानी खत्म। क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब मैं यहाँ आकर पहुँचा हूँ कि इधर तो मेरा चैतन्य ज्ञायक है और इधर उसी से जुड़े हुए ये राग द्वेष मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये पड़े हुए। क्या करना? क्या करना? अब तक क्या किया था? अब तक मैंने इन दोनों को सम्मिलित करके एकमेव करके अनुभव किया था। एकमेव हुए नहीं थे, मैंने अपनी कल्पना में इनको एकमेव किया था। कभी नहीं होता। इसलिए भी जो व्यक्ति रोजाना प्याज लहसुन खाता हो तो कभी उसकी दाल में प्याज लहसुन ना तो खाते समय उसे गंध आएगी नहीं? नहीं आएगी। आएगी ना, अभी तो वासना पड़ी है तो उसे वो नहीं होते भी उसकी गंध आएगी, तो उसकी कल्पना में ही वो गंध आएगी। इसी तरह ये न्यारे न्यारे होने पर भी इसकी कल्पना में एकमेक हुए हैं, इसकी कल्पना ने इनको एकमेक माना है, एकमेक जाना है। और एकमेक जाना है तो फिर अनुभव कैसा होगा? ऐसा ही अशुद्ध अनुभव होगा। तो क्या करना रहा कि अब तक तो ये कथा पूरी हुई। ये सारी कथा अशुद्ध नहीं की, व्यवहार नहीं की कथा थी, जितनी भी कथा थी। अब यहाँ से बिल्कुल नई भागवत कथा का प्रारंभ होगा। ये भागवत कथा 7 दिन का भागवत बसता है। क्या हुई कथा? कि राग द्वेष तो जब से मैं इनको एकमेव मानता रहा तभी से ये मेरे से न्यारे थे और आज भी ये न्यारे ही हैं। मेरा शुद्ध चैतन्य इनसे अछूता बिल्कुल न्यारा ही है। इनके बीच की संधि का दर्शन मुझे नहीं हुआ था, श्री गुरु की करुण कृपा से मुझे आज उस संधि का दर्शन हुआ और मेरी प्रज्ञा ने उनके दो टूक कर दी तो मुझे शुद्ध ज्ञान की अनुभूति हो। ये हुआ। क्या करना पड़ा? दो करने पड़े, न्यारे न्यारे करने पड़े। क्या करना पड़ा? जानना पड़ा या न्यारे न्यारे करने पड़े? न्यारे न्यारे थे और न्यारे न्यारे जाने, या न्यारे ज्ञान ने न्यारा न्यारा किया? न्यारा न्यारा करने की बात अगर ज्ञान के सिर पर लाद भी जाए तो फिर ज्ञान को कर्ता कर्म भाव से भारी हो जाएगा, कभी भी उसका धंधा निपटेगा नहीं। इसलिए ज्ञान तो निश्चिंत और निर्भार भाव है।
पर द्रव्य से तो बिल्कुल निर्भर है ही, लेकिन अपने भीतर उत्पन्न होने वाले भावों से भी निर्भर है। क्रम से पहुंचना, यहाँ तक पहुंचे हम, कर्ता कर्म अधिकार बांधते बांधते कहाँ तक पहुंचे? क्या ठीक है ये जो कुछ भी हुआ? अब क्या है कि अब मैं देखता हूँ कि मेरा एक तो ज्ञायक तत्व है, एक तो शुद्ध चैतन्य तत्व, दूसरी ओर मैं देखता हूँ कि उसी से मिले जुले से एकदम मिले हुए जैसे होते हैं, और जिनकी संधि का अभी तक मुझे पता नहीं लगा, ऐसे उससे विपरीत ये मिथ्यात्व और राग द्वेष के भाव पड़े, ये उसने देखा। तो क्या करना रहा? कहते ज्ञायक इन मिथ्यात्व और राग द्वेष से सदा ही न्यारा ही रहा, पूरा ज्ञायक ही रहा है। इस तरह मैं तो संपूर्ण ज्ञायक ही हूँ और ये मेरे से न्यारे ही हैं, इस तरह ये स्वतः अपने आप ज्ञायक के दर्शन में ये कोटि में स्थापित हो गए, ये पर्दे की कोटि में स्थापित हो गए। ये राग द्वेष का नाम जो है वो पुद्गल हो गया। पुद्गल के भाव वैसा कहते हैं, पुद्गल के भाव मैंने क्या अचेतन, अचेतन में भी पुद्गल क्यों? क्योंकि ये पुद्गल के साथ ही रहते हैं, पुद्गल के साथ आते हैं, पुद्गल के साथ जाते हैं, पुद्गल की ओर ही झांकते हैं। इन्होंने आत्मा की ओर कभी झांका नहीं, देखा नहीं, आत्मा से ये सदा अपरिचित हैं और अपरिचित ही रहेंगे, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं, ये जानते नहीं है। इसलिए निज रहते ही जब राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण भिन्नत्व हुआ ना, निज से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ, जो अब अपने आप को राग द्वेष से भिन्न अनुभव करने लगा, तो पहले मैं ही रागी द्वेषी हूँ ऐसा जो पर पदार्थ को आत्मा के साथ एक में करने का अहंकार प्रवर्तित होता था, वह अहंकार अस्त हो गया, उस अहंकार का पतन हो गया। दो ही तो रहेंगे, या तो राग द्वेष के स्वामित्व रूप अहंकार रहेगा, या तो अद्भुत ज्ञान की पर्याय में कौन आया, कौन भर गया? खाली तो रहेगी नहीं, आखिर ज्ञान की पर्याय का कोई कोई विषय, कोई कोई अवलंबन अवश्य रहे। तो पहले राग द्वेष की ओर झांकती हुई और राग द्वेष को अपने साथ एक में करती हुई ज्ञान की पर्याय, अब राग द्वेष का विसर्जन करके उस ज्ञायक पर स्थापित हो, उस ज्ञायक पर को अपने में प्रतिष्ठित कर लिया। इसलिए निज रस से ही, निज रस से मैं उस ज्ञायक के रस से, उस ज्ञायक का उसे महत्व आया, उसकी जो महिमा आई दिखाई देने लगे, इस तरह अहंकार का विसर्जन हो गया। जान ले कि जितने भी मेरे संयोग हैं, जितने भी जगत के संयोग हैं, बड़े बड़े बंगले, परिवार, रुपया और मणि मोती, ये सारे के सारे बिल्कुल मिट्टी हैं। मेरे चैतन्य का अणु भी से संबद्ध नहीं। जान ले इनकी महिमा घट जाए, और ये सारे के सारे मेरे साथ न रहे, और ये अपने अपनी जाति के साथ रहते, उसी के साथ सदा इनकी बनती है, लेकिन मेरा और इनका कोई साथ अथवा कोई समागम संभव ही नहीं है। ऐसा जिसने जाना तो उसको पर का महत्व संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, और ज्ञायक जो इसका संपूर्ण भर्षक समृद्धिशाली तत्व है, उसकी महिमा उसको आती है। रागी और द्वेषी नहीं होता, ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता, ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है। क्या जानता है, क्या जानता है? मैं तो मात्र ज्ञान और आनंद स्वरूप गायक हूँ, मैं राग द्वेष नहीं, ये राग द्वेष मेरे नहीं। दोबारा आने वाला विचार, मैं तो चिन्मात्र गायक ही हूँ, ऐसा जिसने जाना तो वह कभी रागी द्वेषी नहीं होता। क्या मतलब? ऐसा स्वयं
वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता। क्या मतलब? रागी द्वेष एकत्व नहीं करता, रागी द्वेषी नहीं होता। मैंने क्या, राग द्वेष नहीं होते? राग द्वेष होते हैं पर उसे नहीं होते। राग द्वेष अपनी जगह है, पहले भी अपनी जगह थे। अनादि काल से इतनी सरल, इतनी सुविधा थी आत्मा को कि राग द्वेष वो दूसरे किनारे पर थे, इसका ज्ञान दूसरे किनारे पर है। ये कभी मिले ही नहीं, कोई दो विपरीत भाव कभी मिलते नहीं हैं। दूध में अगर कंकर डाल दिए जाए तो शक्कर जाएंगे। राग द्वेष ऐसे ही परिणाम है कि जो चैतन्य के स्वरूप से बिल्कुल अनभेद होने के कारण सदा अन्य से संबंध रखते हैं न, संबंध घोषित करते हैं, अन्य की ओर ही झांकते हैं, उनकी दिशा ही अन्य की ओर रहती है। रागी और द्वेषी नहीं होता, इसमें ये समझने की बात खास। रागी द्वेषी होना किसे कहते हैं? जिसे राग, जहाँ राग द्वेष होते हुए देखे जाए चैतन्य के नजदीक, तो उसे रागी द्वेषी होना कहते हैं। ये नहीं है बात, क्योंकि चैतन्य वो द्वेषी तो होता ही नहीं, वो तो न्यारा ही है ना उनसे। तो वे इसमें मिले तो रागी द्वेषी हो, वो तो रागी द्वेषी तो होता ही नहीं, पति द्वेषी होता है, इसका अर्थ क्या है? पंजाबी वो तो अपने घर में रहता है, महाजन अपने घर में रहता है, तो दोनों मिल रहे हैं ना, सदस्य हमेशा से। अब क्या हुआ, ये जो महाजन है इसकी उससे मित्रता हुई, और एक दोनों में साथ साथ खाने की मित्रता हुई, तो अब ये महाजन पंजाबी कहलाए, क्योंकि अपने आप को पंजाबी अनुभव कर। कब कहलाए? पहले नहीं थे क्या? थे, दोनों ही थे ना, तो क्या झंझट क्या थी? तो कोई झंझट नहीं थी, ये जानता था कि वो पंजाबी। अब इसने उससे मित्रता की, और मित्रता करके एक दोने में खाने का एकत्र किया, तब अब लोग क्या कहते हैं इसको? क्या हो? वो गया एक आत्मा जो राग द्वेष के भिन्न अत्यंत पवित्र है, वो राग द्वेष के साथ एकत्व करता हुआ, स्नेह करता हुआ, मैत्री करता हुआ रागी और द्वेषी होता है, और तब ये मानता है कि राग मेरा कर और मैं इसका करता। अभी कितनी सरल हुई बात, राग द्वेष का नाश करने की बात आई। मैंने अनादि काल से ज्ञान का केवल इतना सा परिणमन वो आत्मा ही कर पाया, ऐसे आत्मा को लाश है, इतनी सी बात, वो नहीं कर पाया। यहाँ तो इतना सरल कर दिया, अरे वो तो संधि है, संधि जैसे किसी पदार्थ के ऊपर मिट्टी छा जाती है, मिट्टी सोना है, जैसे सोने की असर थी है, उनके ऊपर मिट्टी छा गई, तो दोनों के बीच में संधि है या नहीं? मिट्टी और सोना ये दोनों अपनी अपनी जगह है या नहीं? जहाँ मिट्टी है वहाँ स्वर्ण है, जहाँ स्वर्ण है वहाँ मिट्टी है, नहीं है, दोनों के बीच एक संधि है। जो अज्ञानी बालक है वो तो उसको मिट्टी जानता है, ढेला। ज्ञानी है उसका ज्ञान, उसने अपने ज्ञान पर कृतज्ञ ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण किया। ये गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा, ये सदगुरु की अमृत में बरसाते हैं, उनसे उसने अपने ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करके दूरबीन की तरह देखा, तो संधि दिखाई दी। नाखून जो बढ़ते हैं ना, 9 इंच के जो बढ़ा लेते हैं, उनमें कहाँ है? न्यारे न्यारे कहाँ है? न्यारे न्यारे जैसे दो उंगलियां न्यारी है, तो ये न्यारे न्यारे है, इतना बढ़ गया, न्यारा न्यारा कहाँ है? वैसे ये एक ही है। कौन एकत्व का अनुभव करता है उसमें? जिसको नाखून बढ़ाने से प्रीति हो, वो उसको काटना नहीं चाहता, वो उसमें
प्रीति का अनुभव करता है, एकत्व का अनुभव करता है। लेकिन जो विज्ञ पुरुष है वे जानते हैं कि ये मनुष्य के कर्तव्य नहीं है। वो जानता है तो इतना तो नाखून है और बाकी क्या है, बाकी सड़क का कचरा है, कहाँ फिर नाखून काट के अपने आभूषणों की मंजूषा में रखते हैं, आभूषणों की पेटी में। तो कौन काटता है जो उसकी संधि को जानता है, जो संधि को नहीं जानता तो जाएगी। या तो नाखून रहेगा या फिर अंगूठा कटेगा। इसलिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहा कि श्रुतक ज्ञान इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण होता है कि वो दूरबीन बन जाता है और उससे बारीक से बारीक संधि की रेखा भी दिखाई देती है। अब तो इतने आगे आचार्य क्या करते हो, क्या राग द्वेष किया, पुण्य पाप किया, ये क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब तो ये राग द्वेष हमारे किनारे पड़े हैं, बस इतना देखो। और वे आत्मा के साथ थे और आज भी एक मेक नहीं है, ये देखो। बस इतना देखा कि उसको दोनों न्यारे न्यारे लगे। तो ये तत्व नहीं कुंडल की तरह, छेद्रगुण की तरह, छेद्रगुण की तरह ये राग आदि वो ये तत्व हैं। पहले भी गए थे, पहले क्या थे, कैसे थे, गे कैसे थे, पहले जिस समय अपने आप को राजवेशी मानता था उस समय ये गेय कैसे थे है प्रश्न। हाँ ये मान एक मेघ नहीं हुए, इससे आगे क्या, इससे आगे ये कि ये जो एक मेघ मानता हुआ अज्ञान था, अज्ञान रूप ज्ञान की पर्याय, उस अज्ञान रूप ज्ञान की में राग द्वेष का स्वरूप दिखाई देता था, राग द्वेष नहीं दिखाई देते, राग द्वेष अपनी जगह थे, फिर वही अपनी जगह रखने आते हैं, वो अपनी जगह थे लेकिन निकटता के कारण, जहाँ शुद्ध ज्ञायक है वहीं राग द्वेष हैं, इस निकटता के कारण। और इधर ज्ञान चलता है, आत्मा ज्ञान से कभी जीता नहीं होता, उसका ज्ञान का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, इसलिए चैतन्य के ज्ञान की उपयोग की पर्याय तो प्रति समय चल रही है। और वो अज्ञान की पर्याय जो राग द्वेष को एकमेक मानकर चल रही थी उसमें भी राग द्वेष एकमेक नहीं हुए थे, उस अज्ञान की पर्याय में। तो क्या हुआ था कि राग द्वेष को भ्रम के कारण ऐसा लगता था कि राग द्वेष मेरे ज्ञान में आ गए, प्रविष्ट हो गए, ये लगता, ये मूल है जड़ा भाव के उत्पन्न करने, कर्ता कर्म की उत्पत्ति का ये मूल है, ये यहाँ से कर्ता कर्म का जन्म होता है। ये दशा सदा से हमेशा से। अज्ञान में ही नहीं, क्या कह रहे हैं, अज्ञान में अगर आ जाए तो ज्ञान का नाश हो नहीं हो, और अज्ञान का नाश हो गया तो ज्ञान का भी हो गया, नहीं वो भी ज्ञान की पर्याय है। तो ये सोचने के तरीके हल्का फुल्का एकदम, अरे राजन देश कितना किया है, कितना भारी, सब खत्म होगा, जो कलेजा झड़कता और जहाँ इस किनारे तक आए क्या दिखाई दिया, सदा से ही मिथ्या दर्शन राग द्वेष पुण्य पाप के भाव मेरे से मेरे ज्ञान से न्यारे ही पड़े, उनका मेरे साथ कभी संबंध रहा ही नहीं और वे मेरे साथ कभी एक मेक हुए नहीं, मैंने मात्र एक मेक होने की कल्पना की और उस वो कल्पना भी उनको एक मेक नहीं कर पाई, फिर भी वो न्यारे के न्यारे रहे, मात्र मेरा ज्ञान स्वभाव होने के कारण मेरी चलती हुई उपयोग की दशा में ज्ञान की दशा में राग द्वेष का स्वरूप जानने में आता था, वो जानने में आता था, वो ज्ञान था, मैंने उसको राग द्वेष माना, भ्रम नहीं होगा पहले है? हो गया नहीं?
खेजड़े में, उनको देखने जाते हैं लोग। जो बड़े हैं वो तो आराम से यहाँ पे रहते हैं, हंसते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जो बालक है वो बालक को देखता देखता फिर भागेगा कि छोटा बालक होगा, जिसको भय खाना आ गया हो, भयभीत होना आ गया हो, तो उसे देखकर बार बार भागेगा कि नहीं पापा का थोड़ा के। उसे क्या लगता है शेर मेरे नजदीक आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। ये अज्ञानी के देश है, ये तो मेरे भीतर आ ही गए हैं और मैं ही रागी द्वेषी हो गया हूँ। कहते हैं बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कल्पना निपट भ्रम है ये। तुझे केवल तुझे राग द्वेष को अलग नहीं करना है, तुझे राग द्वेष का जो भ्रम हुआ है अपने साथ एकता का, उस भ्रम का अंत करना। भ्रम को अंत करने के लिए कौन से धन्वंतरी के पास जाए जो दवाई दे दे? उसकी औषधि क्या है? क्या है उसकी औषधि? भ्रम की औषधि क्या है? भ्रम की औषधि सम्यक ज्ञान। जब वो बोले सही ज्ञान, ब्रह्म भी तो ज्ञान की पर्याय है ना, उल्टी। जो उसके स्थान पर सम्यक ज्ञान ने आकर उसका पतन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और व्यायक आत्मा राग द्वेष से भिन्न दिखाई देने लगा। रागी और द्वेषी नहीं होता, ये समझने की बात। आगे लिखा है ना, राग द्वेष करता नहीं, तो भी नहीं समझ में आई। तो राग द्वेष होते हैं उनका करता कौन? ये प्रश्न करें। करता हम उसे कहते हैं कि जो राग द्वेष को अपने साथ एक में मानता हुआ अपने को रागी द्वेषी अनुभव करता है और तब राग को अपना कर्म और अपने को करता मानता है, उसको करता कर्म कहते हैं। करता कर्म का महापाप मिथ्या दर्शन उसको कहते हैं। ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। क्या हुआ? इसलिए ज्ञान में भाव के कारण जिसने एकमात्र ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञायक का अवलंबन लिया, अपने आप को एकमात्र ज्ञायक ही स्वीकार किया और सारे भावों से इनकार किया, ऐसा जो ज्ञानी है तो जिस क्षण से उसे ये ज्ञान रूप परिणमन स्व संवेदन ज्ञान में हुआ, तब से लेकर अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ, अर्थात उस ज्ञायक पवित्र आत्मा को धूल में नहीं मिलाता हुआ। ये हाथी ना कर आता है और सुन में क्या भर के लाता है? सुन में कीचड़ भर के लाता और फिर वापिस आता है तो गजस्नान किसे कहते हैं? अज्ञानी का क्या होता है? जितना भी धर्म कर्म है, अज्ञानी का धर्म कर्म क्या होता है? गजस्नान। गजस्नान में हाथी को नहलाना नहीं, तो क्या है गजस्नान? गजस्नान वत उसका अर्थ किया कि हाथी ने स्नान किया, वो किया वो नहीं किया, क्योंकि वो तो सूंड में जो भर के लाया है उसे अपने ऊपर उड़ेल लेगा। एक ने दर्जी पर उड़ेल दिया, दर्जी ने सुई चुभो दी उसकी सूंड, तो उसे खिड़की में सुन करके और वो अलग बात। लेकिन ये तो हाथी की तो आदत ही है, जो भर लाता है फिर अपने ऊपर उड़े लेता है। ज्ञानी इस तरह नहीं किया करते, पवित्र तत्व को कीच में और करदम में नहीं मिलाते। राग द्वेष कीच और करदम है, अपवित्र है, विपरीत है, सुखदायक है और आत्मा सुखमय और सुखदायक सुख का कारण है। इसलिए ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। तो किसे कहते हैं कर्म? कर्म किसे कहा? कि जहाँ उस ज्ञायक से भिन्न जो भाव हैं अथवा भिन्न जो द्रव्य हैं उनको आत्मा के साथ मिलाकर एक में एक अनुभव किया, कि माना कि ये मेरा कर्म और मैं इसका करता। काम होता उसमें, मानता किसमें है? मैं करता हूँ, मैंने किया, ये इसे कहते हैं मिथ्या करता कर्म। और जब ये छूट गया तो क्या हुआ? ज्ञान में भाव अर्थात मैं तो मात्र जानने वाला ज्ञायक हूँ, सिर्फ जानता ही हूँ,
ज्यादा समझने की बात हो तो ये राग द्वेष मेरे से न्यारे हैं और मेरे ही मात्र गे हैं, इतना बोल दे। ऐसा नहीं बोलता रहे, हो गए गे वो तो एक बार खासियत क्या है, पहले कर्मों को नहीं करता।